सो गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो सो गाइस आगे के सीन में आपको बता दूं कि जो मोटरसाइकिल है ना उसको वॉश करवाना है। एक ये वाली मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, हाँ एक ये वाली मोटरसाइकिल खड़ी है और एक वो वाली मोटरसाइकिल खड़ी है। तो इन दोनों को वॉशिंग करवाना है। तो पहले सबसे पहले इसको वॉश करवाना है, इसकी थोड़ी सी हालत फिर भी दुरुस्त है, इसको वॉश करवाना है बिकॉज ये चल तो सकते हैं इजीली। तो दूसरी क्या उसका मैंने एक दफ़ा क्या हुआ था कि यहाँ पर ना आया था पार्क के आगे से ना कॉर्नर से, तो आगे से कोई बच्चा निकल गया अचानक से, कैसे भी सीन है अचानक से कोई आ गया ना छोटा सा बच्चा सामने आ गया। तो मैंने ब्रेक लगाई है, ब्रेक कैसे लगी है कि फुल ब्रेक लगाई है जब, तो तकरीबन मेरी स्पीड 20 से 30 ही होगी, थोड़ी सी स्पीड थी। ब्रेक लगाई है तो वो ब्रेक इतनी लगी है कि नीचे वाली ब्रेक लगाई है वो ब्रेक दो एक हिसाब से ना टूट गई थी। पहले कहीं धुलवाने की वजह से उसका ना स्प्रिंग जो था वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, इस वजह से वो टूट चुकी थी। तो जब ब्रेक लगाई वो फुल टूट गई, टूटी नहीं थी पहले, जब ब्रेक लगाई तब टूटी है, तो स्प्रिंग उसका निकल गया। तो फिर मैं अचानक से फिर मैंने दूसरी ऊपर हाथ वाली ब्रेक लगाई है ताकि कंट्रोल, तो कंट्रोल करके मैंने थोड़ी सी साइड पे की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, वो भी बच गया और मैं भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह फुल फिट है, अभी कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी इस वाली मोटरसाइकिल को धुलवाना है। सो भाई अभी मैंने ये क्या सोचा है कि जो बाइक को वॉश करना है वो भी तो एक हिसाब से नई हालत में आ जाएगी, पर उससे पहले अपने आप को भी नई हालत में आना पड़ेगा बिकॉज जुम्मे को ये कपड़े पहने थे। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, इतनी सर्दी है कि नहाने को दिल नहीं करता, बट भाई क्या है हम लड़कियों जैसे नहीं है जो के बस हमने नहा लिया है। रुको जरा सबर करो, बाल शाल बाब हो के आ जाए तो कहे हम नहा लिए, ये नहीं हमारे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम नहाते हैं रोज, नहाते हैं डेली। तो आज सैटरडे है तो नहाना, तो कपड़े चेंज करने हैं। कपड़े चेंज करने के लिए सबसे पहले बाइक को तो वॉश करवाना है, उसकी तो नई हालत हो जाएगी। तो अब मैंने कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े चेंज करने के लिए गीज़र को चलाना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा सा गर्म पानी आ जाएगा ना। तो बस अभी गीज़र को चलाते हैं और मैं कपड़े चेंज करता हूँ, कपड़े चेंज करने के बाद आपसे आपका भाई मिलता है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रेडी हो चुका हूँ, ये कुछ ऐसी मेरी लुक है और बस अब चलते हैं, बस अब मोटरसाइकिल बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के चलते हैं बाजार। इसको पहले नहीं, पहले इसको सर्विस स्टेशन लेके जाते हैं, वॉश करवाते हैं, वॉश करवाने के बाद अगर कोई और कोई काम होगा तो आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तो अभी इनको इसको वॉश करवाते हैं गाड़ी को, क्योंकि मैं खुद वॉश हो चुका हूँ। मतलब आपको चल अब गाड़ी को वॉश करते हैं, ठंड बहुत लग रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा, धूप भी नहीं निकली, बस अल्लाह खैर ही करे, बस अब बड़ी ठंड है यार, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अब जल्द से जल्द मोटरसाइकिल बाहर निकालते हैं, वॉश करवाते हैं मोटरसाइकिल, अगर कोई और का काम होगा तो आपके साथ इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मैं सर्विस ला, मैंने सर्विस शेयर पहुँच चुका हूँ, बस आगे बाइक है और धोने के लिए लीजिए और बस धो रहे वॉश होती है, वॉश होने के बाद इंशाल्लाह घर चलते हैं। मोटरसाइकिल सरफ लग गई, वो एक बार सरफ मार लिए, बस अब वॉशिंग ये चीज़ है, ये लगेगा पानी लगेगा तो डायरेक्ट से सारा काम होगा। मोटरसाइकिल चम चुकी, चमक 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 दमक हो चुकी है। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से मोटरसाइकिल फुल रेडी हो चुकी है, बस अब घर चलते हैं और जल्द जल्द थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बिकॉज ठंड बहुत लग रही है, बस अब घर चलते हैं। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूं और ठंड बहुत लग रही है। तो अब मैंने क्या सोचा है कि जो ये मोटरसाइकिल थे ना, इसकी जो ब्रेक जाम हुई है इसको सेट करवाने के लिए मैं बाहर वो लेके आया लड़का, उधर से जहाँ से काम करवाते हैं ना मोटरसाइकिल वगैरह का, वो उधर से शॉप से मैंने लड़का लिया है, उसे कहा भैया आजा यार एक काम कर दे, वो कहता चल ठीक है हाजिर हम जना। तो वो लड़का बाहर खड़ा हुआ है, तो बस अब इसका काम करवाते हैं
देन सुकून से बिस्तरे के अंदर बैठेंगे, अगर तो अब्बू जान ने और कोई काम ना बताया देन बैठेंगे, नहीं तो फिर जो बताएंगे उनका होगा सर आँखों पर, वो काम करेंगे बस। तो बस अब जल्द से जल्द लड़के से इसकी ब्रेक वगैरह ठीक करवाते हैं, लेदर वगैरह जो डलना है मेरे ख्याल में शायद यही कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाते हैं, ठीक करवाने के बाद देखेंगे क्या करना है। मसला क्या है ना, लेदर खराब, लेदर टूटेगा, लेदर टूटेगा तो ये चेंज हो जाए। हाँ जी चलो जी शुक्र है। तो भाई भाई जान ने कहा कि इधर ही चेंज हो जाएगा, तो बस अब इसका लेदर चेंज करवाते हैं और आप ही देखें कैसे चेंज होते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह तो नए डलने लगे हैं, वो पहले वाले लेदर की जो तारें लगी हुई हैं वो उखाड़ कर उसको सही करना है, वो उतार देने और नए लेदर लगा लेने। तो माशाल्लाह से पूरी मोटरसाइकिल खुली हुई है, देखें माशाल्लाह जी क्या बात है, वो भी पूरे हैं अल्फैसा टाउन के बाजार के अंदर हमारे घर के सामने मोटरसाइकिल खुला हुआ है, कोई टेंशन नहीं। बस अब ये देखें नए लग रहे हैं लेदर, लेदर लगे उनसे निकाली हैं अंदर से डिब्बे से, तो ये देखें माशाल्लाह से लेदर जो नए हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, वो सारे मेरे ख्याल से ब्लैक हो चुके थे तो ये थोड़े से ब्राउन हैं ग्रीन ग्रीन, तो बस अब ये लगाते हैं, देखें लगाने लगा है। तो आप भी देखें और मैं भी देखता हूँ और वीडियो को इंजॉय करें, और जब अगर अब तक जिसने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक गला ख़राब है, वीडियो को भी लाइक कर दे मेहरबानी, शुक्रिया। चक्का जो इसका ठीक हो चुका है फुल, और ब्रेक भी मैं आगे लगा के चक्का लगा देता हूँ, छोटी सी आगे कर यार मेरे व्यूवर्स को पता चले अच्छी गली चल रही है, बस एक घर खड़ा कर देते हैं और मैं बाजार चलता हूँ, मुझे कॉल आ गई है बुजार मैं बाजार चलता हूँ। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को आया था तो लेट गया था, मुझे तकरीबन कुछ थोड़ा सा बुखार था इस वजह से मैं लेट गया, तो मैं चाहता हूँ कि आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अंदाज फ़र्क दीजिए इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी से मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया यहाँ पर नेम आ रहा होगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।